मेरी गाड़ी हो? हाँ, मैं गाड़ी की शूटिंग इतने का करते तू। सो वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब समझ रहे हो आप, मैं बहुत टाइम बाद मैं अब जाके ड्रीम इज केम ट्रू, यानी कि मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लॉकडाउन के बाद मेरा कॉलेज चालू हो रहा है। जो मेरी एक्साइटमेंट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और आपको भी पता है कि कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है रोज़ रोज़ एक ही जगह जाने से इज्जत कम होती है। बहुत ज़्यादा अच्छे अंदर से लग रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद मैं अभी आज कॉलेज जाने वाला हूँ। वो भी इसलिए जाने वाला हूँ कि वहाँ पर ऐसा सीन है कि वो जो कॉलेज का जो यूनिफॉर्म होता है उसमें जो उसका मेजरमेंट है, इसलिए वो लोग लेने वाले थे, इसकी वजह से हम लोग को बुलाया सबको। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने वहाँ पर, सो वो करूँगा, एंड बाकी सब बहुत कुछ है सो इस ब्लॉग में, सो देखते रहो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो दिस इज सचिन, यू आर वॉचिंग सचिन ब्लॉग्स लाइफस्टाइल, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो मैं बताना भूल गया कि वी हैव अ कंपनी विद अस, एंड मेरे साथ में है यहाँ पर महेश महाराणा, मिस्टर एमवी, मतलब कि यूट्यूब चैनल का नेम जो है वो है महेश ब्लॉग्स, दैट्स रीजन ही सेज एमवी। सो ये एमवी मेरे साथ में है इधर, एंड हम दोनों साथ में जाने वाले हैं, और जब मैंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी सबको, और मेरे साथ है मेरी कौर यानी कि तो ये मेरी कौर, एंड यहाँ पर सिजुका नाम रखा है भाई ने, भाई सिजुका उसके साथ में उसकी, और ये भाई नोबिता उसका तो और हमारे साथ एक और बंदा है, के लिए वो हमको मुमरा जाना पड़ेगा, मुमरा में रहता है, तो उसके बाद में वहाँ पर चलने के बाद उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, एंड आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस ब्लॉग में। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड लेट्स गो, डोंट वेस्ट द टाइम, चलो। सो मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं देखो एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पुराणों में पूरा इतिहास में लिख चुका है कि मैं कभी भी टाइम पे यहाँ पर आऊँ तभी मुझे ये टाइम पे फाटक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे पता है, इसे बर्दाश्त नहीं है कि मैं कहीं टाइम पे पहुँच जाऊँ, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ कर ये जो भी हैं भाई, जब भी आता हूँ तभी टाइम पे ही बिल्कुल फाटक बंद कर देते हैं, और वैसे भी हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमको पहुँचना था 1 बजे और यहाँ पर एक यहीं पे बच चुका है, 1 बजे कॉलेज में पहुँचना था, हमें प्रेजेंट ही लगानी थी, और यहाँ पर हम लोग जब से अभी यहीं पे तक हैं, मतलब समझ रहे हो कॉलेज का फर्स्ट डे हम लोग लेट हो जाएंगे ऐसा समझो मतलब चालू होते ही हम लोग लेट होना चालू, पता नहीं क्या बोलेंगे अभी जो टीचर्स सर से वहाँ के, देखते हैं, चलो लेट्स गो। Acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. Finally we reached out, college पहुंच गए, वैसे भी जो काम था अभी बहुत जल्दी से करेंगे, इसलिए हम अंदर चलते हैं अभी। सो वेल हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कॉलेज में, ये बेंचेस मजा है, चल पीछे का यहाँ पर लेसी महेश एम बी, यहाँ पर आलम जिससे मैं मिलाने वाला था, सो ये है, एंड पूरा क्लासरूम लगाऊंगा अभी कुछ टाइम बाद, टीचर जो है कुछ वहाँ पर बैठ गए, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिशन चालू है अभी। सो वेल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अंदर क्लास में, यहां पर सब फ्रेंड्स हैं, आज फर्स्ट डे कॉलेज का, हाय हाय हाय, जल्दी बताओ बोलो, कब का है, वही वही ले रहा ना, देख रहे हैं। सो वेल हम लोग अभी जब पूरा क्लास से मिला रहा था आप लोगों को, तो एक बंदा रह गया था जिसका नाम यहाँ पर है भाई, इतना इंट्रोडक्शन देने से मिले, मैं सर प्रभास शाहू भाई, तू इंटरव्यू में नहीं आया प्रभास शाहू भाई, अपना यार फ्रेंड है प्रभास शाहू, एंड और जब से मेरे को बोल रहा है शाउट आउट देने के लिए, जब से मेरे को बोल रहा है शाउट आउट देने के लिए, तो शाउट आउट टू हिम, एंड इसका चैनल जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ जाकर लाइक शेयर एंड कमेंट जो कुछ है कर देना, और अगर इसका वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको उसके 1 मिलियन का जो पड़ा हुआ, सो प्लीज़ आप लोग सब लोग जाके इसका चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा एक और चैनल है किंगो गेमिंग करके, जाके प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करो, तो गेमिंग भी आपको देखने मिलेगा, तो चलो चलते हैं। सो अभी सीन ऐसा हो गया है कि मैं अभी कॉलेज से जस्ट ऊपर से नीचे उतरा है, जैसे उतर के देखता हूँ कि मेरी गाड़ी जो खड़ी मैंने की थी पार्किंग में वो गायब हो गई, और जब मतलब ऐसा सीन हुआ कि आरटीओ वाले आए और गाड़ी जो थी वो उठाई उन्हें और लेके चले गए, वो मुझे पता नहीं थी, वो मुझे शॉप वाले जब मैं नीचे पहुंचा तब उन्होंने बताया कि यहाँ से जो गाड़ी थी वो कहीं लेके चले गए, तो भाई पूरा दिन ही ख़राब हो गया भाई, अभी पता नहीं कहाँ लेके गए हैं, मेरे को यहाँ का पता भी नहीं, मतलब कहाँ पर है, कोटनागा बोल रहे कहीं, तो अभी कोटनागा साइड में जा रहा हूँ मैं, देखते हैं अभी क्या फाइन लगने वाला है, क्या सीन है,
उठा तो लिया ही है, मेरा साथ में उठाया, एम प्लस में मेरा साथ में फ्रेंड था उसका भी गाड़ी, दोनों को साथ में उठा के लेके चले गए वो। तो अभी कुछ यहाँ से बोला है, ये रास्ते से सीधा जाने के लिए, कुछ राइट लेके जाने के लिए बोला है, तो यहाँ से कुछ है 5-10 मिनट शायद लगेगा टाइम, इसकी भी गाड़ी लेके चले गए, तो बस चलते जा रहा हूँ अभी। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है अभी। Acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. Well, मैं अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ, यहाँ पर पता नहीं गाड़ी कहाँ पर लेके गए लोग, बस ये दिख रहा है लोकेशन है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन पूरा बड़ा पड़ा है, पता नहीं इतना बड़ा पूरा एरिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ लेके गए, तो बस ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। तो शायद अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, यहाँ पर शायद से गाड़ियाँ हैं। ओके, सो यहाँ पर है भाई, ये रही मेरी और ये रही इसकी, समझ रहे हो, दोनों यहाँ पर हैं, समझ रहे हो, उठा के लेके गए, बता तो दिया होता। क्या कर रहे हो भाई, मैं मेरी गाड़ी हो, हम गाड़ी की शूटिंग इधर क्या करते तू, सो वेल हम लोग वहाँ पर जस्ट अभी फाइन पे करके बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, जितना पे करना पड़ता है उससे थोड़ा सा कम पे करना पड़ा हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हमने वो कर लिया, हमने वो मंजिल पा ली, हमने अपनी गाड़ी को आज़ाद करा लिया वहाँ से। तो वहाँ से भी आ गए, वहाँ पर एक गाड़ी है खड़ी है, वहाँ पर भी नो पार्किंग है, लेकिन हम लोग खड़े हैं रिस्क लेके आप लोगों के लिए बस थोड़ा बोल रहा हूँ रिस्क लेके, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कल गाड़ी था ये भी लेके आ गया मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर आया हूँ वहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है यहाँ का लोकेशन, और इंजॉय लोकेशन है, उसको लोकेशन का नाम हुआ है तालो, पबजी का लेवल 1 का हेलमेट पहन के रखा ही चला गया, पबजी का लेवल 1 का हेलमेट रहा। सो अभी बाकी से होता है, अभी बस हम यहाँ से थोड़ा सोच रहे हैं निकलने के लिए, एंड उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कुछ खाने के लिए मिलता है यहाँ पर, तो पहले खाएंगे या फिर थोड़ा दिमाग को ठंडा करेंगे जिससे थोड़ा कुछ अच्छा फील हो, तो उसके बाद में हम लोग सोचेंगे यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करने के लिए निकलेंगे। सो चलो लेट्स गो। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. ओके, सो हम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस फील कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा सोचा कि उसने थोड़ा इन्जॉय कर लिया जाए यहाँ पर, थोड़ा फोटो शूट कर लिया यहाँ पर, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत रील्स वगैरह कहीं इंस्टा की इंस्टा रील्स वगैरह शूट किया, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी तो आपको देखने के मिल जाएगी मेरे इंस्टा आई डी पर, आपको चाहिए तो उसको फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो अगर उसको फॉलो कर लो। एंड बाकी यहाँ ऐसा था अभी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने के बाद हम लोग को लग रही थी भूख, तो सोचा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे घर के लिए। सो लेट्स गो। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. Acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. So well, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद अभी जैसे भी घर के लिए निकल रहे थे, तो निकलने के टाइम पे अभी मेरे साथ में मेरा फ्रेंड था आलम, तो उसको इस जगह को जाने के लिए घर पे नज़दीक पड़ेगा, तो वो अभी हमारे साथ अलविदा लेना चाहता है, तो जाने वाला है। हाय गाइस, सो अभी सीन ऐसा है, नीचे एक और बंदे ने मुझे फ़ोन किया है, तो उससे भी मिलाने वाला हूँ मैं, और पता चलेगा आपको कौन है वो बंदा, आप ऐसे भी बहुत सारे ब्लॉग्स में देख चुके हो उसके जरिए, तो पता चल जाएगा। तो लेट्स गो, चले जाएं। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight, had no need to fight tonight. सो वेल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वहाँ से निकला एंड उसके बाद मुझे कॉल आया गौरव का, सो गौरव मेरे से मिलने वाला था, सो ऐसा सीन था कि इसने मुझे कॉल किया एंड इसको एक हेलमेट चाहिए, एक्चुअली सीन क्या था, इसका जो हेलमेट है ना वो उसने सेम शॉप से लिया है और मुझे अच्छा लगा था, और मेरे पास टाइम कम था जिसके लिए मुमरा गया था पहले नज़दीक में, बट वहाँ पे कलेक्शन कुछ जमा नहीं, उतने मेरे लोग कॉलेज से रिटर्न आ रहे थे, तो मैं बोला चलो चलते, एक्चुअली इसने बोला चलो चलते तुझे एक जगह दिखाता हूँ, और एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, मैंने भी आपसे हेलमेट ले लिया।
और जैसे कि मैंने इसको पहले वीडियो बना चुका हूँ ये शॉप के ऊपर और आप लोगों को भी पता रहेगा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्वप्न भाई को यहाँ पर। तो इनके शॉप में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती है आपको, मॉडिफिकेशन बाइक मॉडिफिकेशन भी आपको यहाँ पर, आपको जैकेट्स वगैरह मिलती हैं, आपको यहाँ पर हेलमेट्स वगैरह मिलते हैं, वो मतलब मीडियम रेंज से लेकर आपको हाईएस्ट रेंज तक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मतलब बहुत सही शॉप है, आप लोग आना चाहो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार हम लोगों ने कभी नोटिस की है, मतलब हमारे जो सुनील भाई हैं उनकी जो आँखें टार्जन में गई है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे के अभी सबसे, मतलब इससे बहुत दिन बाद मिला हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था मैं भी और ये भी बहुत ज़्यादा बिजी था अपना सब काम करने में। और यहाँ पर मेरे साथ में है मेरा फ्रेंड, तो ये सब मेरे दो कॉलेज के फ्रेंड हैं, ये मेरा एरिया का भी फ्रेंड है, मतलब मेरे कॉलेज का फ्रेंड है ऐसा, और ये भी मतलब एरिया का फ्रेंड है मेरा ऐसा सीन है। तो ये सब मतलब मेरे साथ थे। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे ब्लॉग में आने के लिए एंड चेक बेसिक्स। सो थैंक यू सो मच आज के लिए हम लोग को आने के लिए एंड बाकी सब बहुत बढ़िया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कर दो एंड बाकी सब ठीक है, बाकी सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइन। Had no need to fight tonight.